लखनऊ के अकबरपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चौथे दिन भी जारी रहा और इस अभियान में कुल 312 अवैध निर्माण गिराए गए। बुधवार को 162 अवैध निर्माण गिराए गए और इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो क्यों भड़क गए ओवैसी? क्या लखनऊ के अकबरपुर में सिर्फ मुसलमानों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर? आखिर क्या है असदुद्दीन ओवैसी का दावा और इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का अकबरपुर इलाका, जहां तीन दिन से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ के अकबरपुर में कुकरैल नदी पर अवैध कब्जे के बाद बने घरों को खाली करके तोड़ा जा रहा है और ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहां एक दो नहीं, करीब 1100 घर और कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करके उसे समतल किया जा रहा है। ये देखकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। पहले आप AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा देखिए, जो उन्होंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लिखा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। लखनऊ में अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि लखनऊ के अकबरपुर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन ओवैसी के बयान का सच क्या है ये भी देखने की जरूरत है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अकबर नगर में अतिक्रमण करने वाले लोगों की लिस्ट का पोस्टर लगाया है। इसमें 1100 से ज्यादा लोगों के नाम है। हालांकि ये मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में हिंदू भी हैं, जिन्होंने कुकरैल रिवर फ्रंट पर अतिक्रमण किया है। इन सभी मकानों को, जिनके मकान तोड़ा जा रहा है, उन्हें जो है पीएम आवास योजना के तहत घर भी दिया जा रहा है, विस्थापित भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, श्री ओम प्रकाश कश्यप हैं, श्री आकाश वाल्मीकि हैं, श्री सतीश कुमार हैं, श्री खुर्शीद अली है, तो इस तरीके से नाम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मुसलमानों पर जुल्म की बात करते ओवैसी ये भूल गए कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें बिना आसरे के छोड़ा नहीं जा रहा। अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले लोगों के लिए यहाँ विशेष कैंप लगाया गया है, जहाँ उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नए घर भी दिए जा रहे हैं। ओवैसी नफरत की बात करते हैं, ओवैसी नफरत फैलाने की बात करते हैं, और इसी नाते इस चुनाव में ओवैसी को जनता ने खारिज किया है। रही बात अकबर नगर की, तो निश्चित रूप से वो नाले पर अवैध कब्जा करके लोगों ने घर बनाया था। सरकार ने उनको विस्थापित करने से पहले उनको मकान दिया है, उनके निवास का व्यवस्थित प्रबंध किया है और फिर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही अकबरपुर में बुलडोजर क्यों चला। सवाल ये भी है कि लखनऊ जैसे शहर में इतनी बड़ी बस्ती और दुकानें कैसे बन गई और किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस पर बीजेपी का आरोप है कि साल 2012 में कुकरैल नदी के दोनों तरफ अवैध बस्ती बसाने का काम शुरू हुआ, जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस वक्त भू माफिया ने रसूख और साठगांठ से नदी के दोनों तरफ अवैध बस्ती बसा दी। बस्ती जब पूरी तरह बनी तो वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। जांच में पता चला कि यहाँ के 73 कब्जेदार करोड़पति हैं और 300 घरों को किराए पर दिया गया है। जैसे जैसे खाली होता है हम लोग गिरा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल, PAC और RAF के लोग हैं, और लॉजिस्टिक्स में भी LDA, नगर निगम, पूरी तरह से कर्मचारी अधिकारी सारे लोग हैं, JCB मशीनें। जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक यहाँ ना तो रिहायशी निर्माण की इजाजत है और ना ही व्यावसायिक निर्माण की। योगी सरकार में कुकरैल नदी के इलाके में रिवर फ्रंट का प्रपोजल पास हुआ, लेकिन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, हंगामा भी हुआ। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण वाली जगह को खाली करने का आदेश जारी किया,
और इसके बाद से ही यहां प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई।